अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं रमज़ान स्पेशल रेसिपी प्याज की कचौरी। तो प्याज की कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। मैदे का आटा ले लिया है 1.5 कप। उसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून यानी एक छोटा आधा चम्मच इसमें अजवाइन को ऐड कर देना है। अजवाइन डालने से कचौरी का फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आ जाता है। अजवाइन को हाथों पर मसल के इसमें ऐड करें और दोनों को आटे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब इसमें 2 टेबल स्पून भरकर ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को हमें अच्छी तरीके से आटे में मिक्स कर लेना है, क्योंकि ऑयल को अच्छे से मिक्स करने से कचौरी हमारी अच्छे से फूलती है और खस्ता बनकर तैयार होती है। कुछ लोग बाद में ऑयल डाल देते हैं आटा गूंदने के बाद, तो उससे कचौरियाँ आपकी ख़राब हो जाएगी, फूलेगी नहीं और खस्ता भी नहीं बनेगी। देखिए, इस तरीके से मैंने सारे ऑयल को अच्छे से मिला लिया है। अब पानी का यूज़ करते हुए हम जैसा आटा गूंदते हैं वैसा ही आटा गूंद लेना है। बस डो को हमें हार्ड रखना है, मतलब थोड़ा सख्त गूंदना है, एकदम नरम आटा कचौरी का नहीं गूंदना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूँगी वो सबसे पहले आपको दिख पाएगी। तो देखिए, आटा हमारा गूंद कर रेडी है। इतना सख्त मैंने इसको गूंदा है। अब इसके ऊपर हल्का सा तेल लगा ले और इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने दे। अब हम मसाला रेडी कर लेते हैं कचौरी बनाने के लिए। 1 चम्मच भरकर मैंने धनिया लिया है, 1 टीस्पून भरकर, 1/2 टीस्पून सौंफ और 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है। इनको हल्का सा हमें रोस्ट कर लेना है गैस पर। ज़्यादा इसको कलर चेंज नहीं करना है, जलाना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट कर ले। और जब ये भून जाए तो इसको जार में डालकर आप दरदरा सा, देखें इस वक्त इसको ठंडा कर ले और दरदरा सा पीस ले। अब एक पैन ले लेंगे, इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को हल्का सा गरम कर लेना है और जो हमने ड्राई रोस्ट मसाला पीसा था इस तरीके से हल्का सा मैंने इसको दरदरा रखा है, इसको ऑयल में डाल देना है। मसाले को पहले डालना है ऑयल में और हल्का सा रोस्ट कर लेना है, इससे ये अपना फ्लेवर जो है इन्हेंस करेगा और अच्छा फ्लेवर देगा। अगर आप बाद में डालोगे तो इसका फ्लेवर नहीं आएगा मसाले का। हल्का सा लो फ्लेम पर बस इसको रोस्ट कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट, या फिर आप बारीक कटी हुई अदरक भी ऐड कर सकते हैं। बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, आप कितना तीखा खाना पसंद करते हैं। हल्का सा इसको भूनने के बाद अब 2 बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हम प्याज की कचौरी बना रहे हैं इसलिए प्याज इसमें ज़्यादा जाएगी। अब प्याज को हम भून लेंगे फुल फ्लेम पर, बट इसका कलर हमें बिल्कुल गोल्डन नहीं करना है। बस इसको इतना भूनेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए, प्याज हमारी हल्की से सॉफ्ट हो चुकी है, बस इतना ही इसको भूनना है। अब इसमें हम बेसन ऐड कर देंगे। 2 छोटे चम्मच यानी 2 टीस्पून इसमें बेसन ऐड करना है और इसको हल्का सा भून लेना है बेसन का कच्चापन ख़त्म होने तक। इस कचौरी में बेसन और प्याज का ही फ्लेवर आना चाहिए। अब इसमें 1 छोटे साइज़ का उबला हुआ आलू ऐड करेंगे ताकि इसमें बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। हम आलू की कचौरी नहीं बना रहे हैं, प्याज की बना रहे हैं, इसलिए आलू आपको थोड़ा सा ही डालना है। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची, 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच भरकर आमचूर पाउडर ऐड करेंगे और इन सब मसालों को अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करें। देखिए, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरे धनिया डालने के बाद इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। तो ये फीलिंग जो है हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बहुत ही खुशबू आ रही है इस वक्त, इतनी टेस्टी ये फीलिंग बनी है। देखिए, इस तरीके से बनकर तैयार है। इसको एक प्लेट में निकाल लें और इसको अच्छी तरीके से ठंडा होने देंगे। देखिए, फीलिंग ठंडी हो चुकी है और ज़्यादा इसमें प्याज प्याजी आपको दिख रही होगी, तो इसी तरीके की फीलिंग हमें चाहिए। अब आटे को भी हम पार्ट में कट कर लेते हैं। जितने बड़े और छोटे आपको कचौरी बनानी है, एकदम छोटी छोटी कचौरी नहीं होती है, तो थोड़ी बड़ी साइज़ की ही बनाना है।
डेढ़ कप आटे में आपकी 5 कचौरियाँ बनकर रेडी हो जाएंगी। तो अब एक पार्ट उठा लेते हैं हम, इसको हमें कटोरी की शेप में बना लेना है। तो देखिए कटोरी की शेप दे दी है मैंने, अब हम इसमें फिलिंग को फिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से हमें पैक कर देना है। अच्छे से दबाते हुए इसको पैक करें ताकि फ्राई करते वक्त ये खुले ना। थोड़ी सी यहाँ पर फिलिंग ज़्यादा हो गई है, आप थोड़ी कम भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मैं पैक कर लूँगी और पैक करने के बाद इसको हम हल्का सा बेलन से रोल कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्के हाथ से इसको रोल करके फ्लैट कर लेंगे थोड़ा सा, देखिए इस तरीके से, ताकि ये हर जगह से एक जैसी रहे, कहीं से मोटी और कहीं से पतली ना रहे। तो सारी कचौरियों को हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से रेडी कर लिया है मैंने, अब हमें इनको फ्राई करना है। तो ऑयल ले लिया है, ऑयल को आप गरम कर लें, ऑयल को ज़्यादा गरम नहीं करना है और एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम गरम कर ले। और एक एक करके सारी कचौरी हम ऑयल में ऐड कर देंगे। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है वरना कचौरियाँ बिगड़ जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। इसको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते जाना है और ऑयल को स्पून से इस तरह से कचौरियों के ऊपर डालते जाना है, इससे कचौरियाँ आपकी फूलेंगी। इसको पकने के लिए टाइम लगता है, फिर ये फूल जाती है खुद से ही, इसलिए गैस को हमें फास्ट बिल्कुल नहीं करना है। देखिए ये हल्की हल्की सी फूलनी शुरू हो चुकी है, तो इसी तरीके से थोड़े थोड़े टाइम में हमें ऑयल इसके ऊपर डालते जाना है और इसको फ्राई करते जाना है। तो देख सकते हैं आप कि कितनी खस्ता हमारी कचौरी बनकर तैयार हो रही है, ये फटी हुई नहीं है, ये खस्ता बनी हुई है, फूल रही है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो देखिए कचौरी हमारी फ्राई होकर रेडी हो चुकी है, इसको अब हम निकाल लेते हैं डिश में और बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार हमारी कचौरी बनकर तैयार हुई है, फूली भी है अच्छी तरह से। तो देखिए कचौरी को मैं कट करके भी आपको बता रही हूँ कि कितनी अच्छे से ये अंदर से फूल चुकी है, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं है, एक ही तरह का इसका साइज़ है और बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बनी है। तो आप इसको इफ्तार टाइम पर ज़रूर बनाकर ट्राई करें, मीठी चटनी, टोमेटो केचप या हरी चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।